Namaste everyone and thanks for tuning back to 3XP. I'm your host Kunal Raj and what a start of the year it has been, right? In December we saw the cases go down and we thought ki chalo maza nahi aa raha, let's take it to the other level, and now we know what the condition is for the COVID cases right now. So nevertheless, on a serious note, just take care, let's hope for the best and see how the year goes on, right? And welcome back to the solo podcast, kind of a special solo podcast where we talk our heart out. हम दिल की बातें आपसे शेयर करता हूँ अबाउट अ जर्नी एंड हाउ द प्रोग्रेस हैज़ बीन. यू नो आई नो द एपिसोड्स हैव बीन मिसिंग फॉर क्वाइट अ फ्यू वीक्स. इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, आई एम थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट. एंड यू नो देर आर पीरियड वेयर देर आर टाइम पीरियड वेयर यू फील ऑफ, ठीक है, होता है वैसे. एंड इट्स नॉट लाइक आई प्रोक्रास्टिनेट. वेल आई डू प्रोक्रास्टिनेट बट समटाइम्स, बट दैट्स नॉट द पॉइंट हियर. द पॉइंट इज, सी आई विल टेल यू, प्रोक्रास्टिनेशन इज समथिंग व्हेन अ पर्सन पर्पजली डिलेज द वर्क बिकॉज इज फीलिंग लेजी. बिकॉज आई डोंट फील लेजी. इफ अ पर्सन इज फीलिंग लेजी, दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन बिकॉज इट डिलेज द वर्क. चलो ए नहीं रे, आज नहीं करेंगे, कल करते हैं, अभी नहीं करेंगे, 7:15 हो गया, 8 बजे करेंगे. सो दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन. एंड देयर इज अ फैंसी, सॉरी नॉट अ फैंसी टर्म बट अ टर्म वेयर इट इज कॉल्ड एज क्रिएटिव ब्लॉक. अ क्रिएटिव पर्सन और समवन हु इज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, एवरीबडी गोज थ्रू दिस फेज, ठीक है. क्रिएटिव ब्लॉक इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोक्रास्टिनेशन. क्रिएटिव ब्लॉक में आपको कुछ करना है, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन में आपको नहीं करना है. क्रिएटिव ब्लॉक में आपको कुछ करने का मन है बट यू कैन नॉट डू बिकॉज यू कैन नॉट कम अप विथ क्रिएटिव आइडियाज, राइट. आपको सपोज आपको नया स्क्रिप्ट लिखना है. हैपन्ड विथ अस, वी हैड टू डू द शूट टुमारो एंड वी आर सिटिंग. चलो आज पूरा दिन है. समटाइम वॉट हैपन्स, समटाइम्स यू इन a span of 30 minutes you get 2-3 scripts ideas. Sometimes if you spend full day you don't get one single script idea for the entire day, hota hai. So we sat from morning and I'm thinking kya likhenge. It was evening and we couldn't come up with idea. And sometimes if I'm walking on the road I get the idea, and luckily I jot it down on my phone or I carry a diary, so bach jata hai idea. Kabhi kabhi agar bhul gaya to waise. और ओके, तो हो गया क्रिएटिव ब्लॉक. कुछ नया सीखा आपने? हाँ तो कमेंट कीजिए, नहीं तो देखते रहिए आगे और कुछ आएगा, ठीक है. और रीजंस फॉर क्रिएटिव ब्लॉक बहुत सारे हैं, ठीक है. समटाइम्स यू फील डीमोटिवेटेड, अरे क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ के साथ, क्या कर रहा हूँ. समटाइम्स यू गेट क्रिटिसिज्म, लाइक यू पोस्ट समथिंग, ओके, आपने बहुत मेहनत किया, कैमरा सेट किया, स्क्रिप्ट लिखा, रेडी हुआ, दाढ़ी वाड़ी बनाया, एकदम चिकना एकदम, ओके, सेट. And then you do something, you edit, you know, color grade, you prepare the thumbnail and you post it. And you wait. Okay. And you scroll, refresh. ठीक है, आता नहीं है कुछ. Okay. You got 2-3 likes. नहीं तो 10-20 like आ गया कुछ. चलो एक उसमें एक negative criticism आ जाता है. क्या किया है रे? हाँ, what is this? तो बाद में you feel demotivated. So that moment you feel down. So for you, one week you won't do anything. You will just think, अरे मैं इतना करके क्या मतलब होता है, ठीक है, that is that. Sometimes you have a burnout. Like continuously you have been working for 6 months, 7 months without a break. And then you are, you know, completely burnt out. You don't have the energy. You have the energy but you cannot think of ideas. So वैसे बहुत सारे reasons है creative block के लिए. Sometimes family problems है, sometimes you lose someone. तो वैसे बहुत सारे problems है creative block के लिए. सॉल्यूशंस ऑल्सो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. लाइक किसी को अच्छे खाना खाने से आइडियाज आने लगेंगे, किसी को इफ आई एम राइटिंग स्क्रिप्ट पर्सनली, इफ आई एम राइटिंग स्क्रिप्ट एट होम एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग आइडियाज, इफ आई गो आउट आई गेट सम एपिक आइडियाज. ओके, समटाइम्स आई सीट एट नियर दैट ग्राउंड, आई विल गेट सम आइडियाज. सो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. यू कैन टेक अ ब्रेक, ओके, यू कैन ट्राई समथिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, ठीक है. समटाइम्स क्या होता है, दिस कम्फर्ट जोन इज समथिंग रियली डेंजरस. इट इज़ लाइक शुगर, यू नो, आप एक साइड में शुगर रखो, एक साइड में ड्रग रखो,
when you see, when you hear of it, you'll say, but drug dangerous, but sugar is equally dangerous. People will like, yes, I guess. At some point, if you take too much of sugar, it is dangerous. It is, you know, it is termed as drug because it is kind of a प्रॉब्लम. बहुत आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करे. शुगर मत खाओ, प्लीज़ शुगर मत खाओ, कम करो शुगर, ठीक है. सो या सो सॉल्यूशंस आल्सो डिपेंड पर्सन टू पर्सन. द एंड ऑफ द डे द मेन पॉइंट इज नेवर गिव अप, ठीक है. गिव अप मत करो, ना तो उधर ही खत्म. ब्लॉक व्लॉक लगेगा नहीं बाद में, पूरा कंप्लीट शट डाउन हो जाएगा. सो नेवर गिव अप, दैट इज द पॉइंट. एंड कमिंग बैक टू हाउ About coming back to the start of the year, ठीक है. We were discussing, but I kept this topic at the last, ठीक है. Start of the year से जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, right? Every coin has its two sides. The same way, there are two kinds of people who welcome any event or the start of the year या जो भी, ठीक है. One है जो who will party hard, you know, like there is no tomorrow kind of stuff. And there is another group of people who will welcome the year or any event in a subtle, calm way, right? That doesn't mean the later person or the group of person are not that welcome. That something fascinates me about humans, that each one of us are wired uniquely. So uniquely that everybody has their own perspective, everybody has their own point of view, and that's what is a motive to get it covered in the podcast episodes, right? Every guest, every person has their own stories, has their own learnings to share, and don't worry, we will have it covered in our upcoming episodes. We have a really epic lineup for this year for the podcast, and also another announcement that there will be co-host with me, some new host who will be taking over the podcast. I'll be there, I'll have a new members as well taking over the podcast, so stay tuned for that as well. And talking about me, how I started this year, I started this year in a subtle way. That's why I took both the topics. I started this year in a subtle way, not because I had to, because I wanted, ठीक है. एंड ऑल्सो वन मोर रीजन, लाइक माई बेस्ट फ्रेंड हु इज नॉट वेल ऑन दी 31st, बिकॉज यूजली आई हैंग आउट विथ हिम ऑन 31st. सो या दैट वॉज ऑल्सो सेकेंड रीजन, ठीक है. एंड या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज कि यू कैन बी एट द नाइसेस्ट ऑफ प्लेसेस, बी इट अ रिजॉर्ट, पार्टी, सुपर पार्टी, यॉट, जो भी है, ठीक है. इफ यू डोंट हैव द फ्रेंड्स और कनेक्शन विथ हुम यू वाइब बिलोंग, देन वहाँ पे कुछ ना कितना भी हंगामा हो, यू वहाँ पे तो वो फीका पड़ने लगेगा. यू कैन ऑल्सो वाइस वर्सा, यू कैन बी एट द शिटियस्ट ऑफ प्लेसेस, बट इफ यू हैव दैट थ्री और फोर फ्रेंड्स विथ हुम यू वाइब, दैट इज एन एपिक एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, राइट. सो या दैट वॉज प्रीटी मच विद दिस पॉडकास्ट. आई होप यू एन्जॉयड, एंड इफ यू हैव मेड इट टिल द एंड, कॉन्ग्रेस, बिकॉज योर अटेंशन स्पैन इज क्वाइट epic, and you will be rewarded soon, not by me, by yourself, because your attention span is so good. Okay, and that's it for this podcast. I hope you enjoyed listening. I'm your host Kunal Raj, and you can listen to us on Spotify, you can connect with us on Instagram, Facebook, LinkedIn, and all other platforms. We are available as Three Viners. Also, you can check out our other channels like Three Viners main channel, you can check out Kunal Raj Films. And yeah, that's pretty much with this podcast. I'm your host Kunal Raj, and thanks for listening. Until next time, take care, and we see you with a new guest in the next one.